स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डोंगरवाल सह आचार्य राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय से बीए सेकंड ईयर ग्रह विज्ञान के पेपर वन के सिलेबस के बारे में आज बताने जा रही हूँ। पेपर वन का नाम है आहार एवं पोषण। पेपर वन बीए सेकंड ईयर में जो इंक्लूड किया गया है, इसमें 5 इकाइयों में बांटा गया है या 5 यूनिट्स में बांटा गया है। यूनिट 1 को जब हम देखते हैं तो यूनिट 1 में 4 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है या इकाई 1 का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें कुछ परिभाषाओं को समझाया गया है, क्योंकि इस कोर्स को समझने के लिए इन परिभाषाओं का समझा जाना बहुत जरूरी है, जैसे कि आहार, पोषण, पोषक तत्व, पोषण स्तर, संतुलित आहार एंड पथ्यापथ्य। जब इन डेफिनेशंस के बारे में हम बात कर लेंगे, उसके बाद जो है सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है बेसिक फूड ग्रुप का, साथ में फंक्शंस ऑफ फूड का। फूड ग्रुप के अंदर या भोज्य समूह के अंदर जो आहार है, जितना भी आहार अवेलेबल है या जितना भी भोजन अवेलेबल है, उसको समूहों में बांटा गया है। उस समूहों के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की जाएगी और साथ में उस आहार के क्या कार्य है उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। हम जो आहार खाते हैं उसमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और उन पोषक तत्वों के अलग अलग कार्य होते हैं और उन्हीं कार्यों को विस्तृत रूप से यहाँ पर समझाया जाएगा। थर्ड पॉइंट है स्टडी ऑफ कॉमन फूड्स। कॉमन फूड्स या सामान्य जो आहार है जिनका कि हमने फूड ग्रुप में उनके जो क्वालिटीज सेम है उस अकॉर्डिंग उनको विभाजित किया है, उन एक एक आहार को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, जैसे कि सीरियल्स या अनाज, पल्सेस या दालें, नट्स एंड ऑयल सीड्स या तेलयुक्त बीज और तिलहन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मीट, फिश, दूध और दूध के उत्पाद, मसाले आदि जो भी आहार है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी कि उनका संगठन क्या है, वो किन किन न्यूट्रिएंट्स से मिलके बने हुए हैं, क्या इम्पोर्टेंस है उनकी डाइट में और साथ में किस तरीके से उन्हें हमें उपयोग में लाना चाहिए या उनका संरक्षण किस तरीके से किया जाना चाहिए। यूनिट 1 का फोर्थ पॉइंट है डिफरेंट मेथड ऑफ फूड प्रिपरेशन। डिफरेंट मेथड ऑफ फूड प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो हम भोजन को कई सारी विधियों से बना सकते हैं, है ना। आलू को उबाल भी सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं, तो पाक विधियां अलग अलग होती हैं और हर पाक विधि के अपने लाभ भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। तो इन पाक विधियों के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान हैं, किस तरीके से हम न्यूट्रिएंट को उनके अंदर कंजर्व कर सकते हैं या संरक्षित करके रख सकते हैं, किस तरीके से फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंतर्गत या इस बिंदु के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम दाल और चावल को मिला के कोई भी चीज बनाते हैं तो दोनों की न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड हो जाती है और वो चीज ज्यादा बेटर वन होती है एक सिंगल आइटम से। यूनिट टू की या इकाई 2 की जब हम बात करते हैं तो इसमें आ रहे हैं आपका फिफ्थ पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट। इसमें फिफ्थ पॉइंट में प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स, जिसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स कहा जाता है, तो इन तीनों ही न्यूट्रिएंट के जो कि हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या हमारे वृद्ध स्तर में खाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका संगठन क्या है, इनका वर्गीकरण क्या है, इनके स्रोत क्या हैं, हमें किन किन चीज़ों से ये प्राप्त होता है, हमारे शरीर में इनके क्या कार्य हैं और इनकी कमी से शरीर में क्या बीमारियाँ हो जाती हैं, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब हम जब सिक्स पॉइंट की बात करते हैं, सिक्स पॉइंट जो है वो है हमारा ऊर्जा उपापचय पे या एनर्जी मेटाबॉलिज्म पे।
एनर्जी मेटाबॉलिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आ रहा है यूनिट ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी की इकाई क्या है या किसमें नापा जाता है। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, कुल ऊर्जा खर्च किया है, हम उस ऊर्जा को किस किस रूप से खर्च कर रहे हैं जो कि खा रहे हैं, है ना। जैसे फिजिकल एक्टिविटी में खर्च करते हैं, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन यानी विशिष्ट गतियात्मक क्रियाएं होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट या हम कह दें कि आचार्य उपापचय दर होती है, और इन तीनों को मिला के ही टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर या कुल ऊर्जा खर्च जो होता है वो कुल ऊर्जा आवश्यकता के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा शरीर जो है ऊर्जा संतुलन में रहता है। नहीं तो अगर कुल ऊर्जा खर्च जो है वो हमारी आवश्यकता से अधिक होगा तो व्यक्ति पतला होता जाएगा यानी अंडरवेट हो जाएगा, और कुल ऊर्जा खर्च आवश्यकता से कम होगा तो वो मोटा होता जाएगा या ओवरवेट या ओबेस हो जाएगा। BMR जो होता है उसको कई सारे कारक प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में भी यहाँ पर विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा या उसकी जानकारी दी जाएगी। अब हम आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 की जब बात करते हैं तो यहाँ पर फोर्थ न्यूट्रिएंट मिनरल्स जिसे कहा गया है या खनिज लवण जिसे कहा गया है वो यहाँ पे समझाया गया है। इसमें हमने जो जो मिनरल्स लिए हैं वो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन या लौह तत्व, आयोडीन, सोडियम और फ्लोरीन। यह हमें किनसे प्राप्त होता है, क्या शरीर में इनके कार्य है, इनकी कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं, इनका क्या RDA यानी कि RDA का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस या आहारिक प्रस्तावित मात्राएं क्या क्या है, यह व्यक्ति की उम्र पे, उसके सेक्स पर, उसकी कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे निर्भर करती है, और इसके पूरे रूप से या विस्तृत रूप से यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। मैक्सिमम जो खनिज लवण है उनकी कमी से ही हमारे शरीर में बीमारियां होती है, परंतु फ्लोरीन एक ऐसा खनिज लवण है जिसकी अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, वो भी यहाँ पे पढ़ा जाएगा। विटामिन्स की जब हम बात करते हैं तो यह हमारा फिफ्थ न्यूट्रिएंट होता है, और विटामिन्स जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो चार होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और साथ में विटामिन सी होता है। बी कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि इसमें कई सारे बी विटामिन आते हैं, जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, B5 यानी पेंटोथेनिक अम्ल, पिरिडॉक्सिन, B12, फॉलिक एसिड, बायोटीन एक्सेट्रा, है ना। और इसके किन से ये हमें प्राप्त होता है, इनके क्या कार्य है, इनकी क्या कमी है और इनका क्या RDA है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। 9.8 यूनिट 3 का रोल ऑफ फाइबर इन डेली डाइट। जब हम रोल ऑफ फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर एग्जैक्टली आता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका कि उपापचय हमारे शरीर में नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में सेलुलेज नामक एंजाइम नहीं पाया जाता है। उसके बावजूद इसका हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और इसी की वजह से यह डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे को कई सारे रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसमें सबसे फर्स्ट रोल होता है रोग होता है कब्ज। 10th पॉइंट है वाटर, या हमारा 6th और लास्ट न्यूट्रिएंट। वाटर या जल जो होता है इसका बैलेंस होना भी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसकी अधिकता से एडिमा हो जाएगा और कमी से व्यक्ति जो है डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। वाटर का हमारे शरीर में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कार्य है, किनसे हमें वाटर प्राप्त होता है, कैसे हमारे शरीर से वाटर बाहर निकलता है, वाटर बैलेंस क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर पढ़ी जाएगी। अब हम आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 का 11th पॉइंट है कुपोषण या माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके क्या कारण है, कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। माल न्यूट्रिशन या कुपोषण दो तरह का होता है, यह ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है मतलब अधिक खाने से भी हो सकता है, और अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है यानी कम खाने से भी हो सकता है। इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है इसलिए जनरली हमारे यहाँ पर माल न्यूट्रिशन में
अंडर न्यूट्रिशन वाले जो बीमारियां हैं वो ज्यादा दिखने में आती है। 12th पॉइंट है मील प्लानिंग या आहार नियोजन। आहार नियोजन का तात्पर्य होता है हम दिन भर का आहार किस प्रकार से नियोजित करते हैं। यह जो नियोजन करते हैं यह कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं इसको प्रभावित भी करते हैं, और इसके लिए हमें RDA भी ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि हर आयु वर्ग, हर ऑक्यूपेशन या क्रियाशीलता के आधार पे यह अलग अलग होती है और अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशन के आधार पे भी यह डिफरेंट होती है, स्पेशली इन लेडीज जब इनमें लैक्टेटिंग या धात्री अवस्था आती है या प्रेगनेंसी या गर्भावस्था आती है तब। 13 पॉइंट है फूड स्पॉइलेज या खाद्य संदूषण। खाद्य संदूषण के कारण क्या है इसके बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि भोजन जो है वो किन कारणों से खराब हो जाता है। वो कारण फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, एनिमल की वजह से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फूड प्रिजर्वेशन। हम किस प्रकार से खाद्य को संरक्षित करके रख सकते हैं, इसके कई सारे उद्देश्य हैं संरक्षण के और कई सारे तरीके हैं। अगर हम अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं जिससे कि वो फूड स्टफ लंबे समय तक चलता है, या जैम जेलीज में उस फ्रूट को कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें एक प्रिजर्वेशन के तरीके में ही आती है और इन्हीं तरीकों के बारे में हम विस्तृत रूप से यहाँ पर पढ़ेंगे। आप जो मटर को साल भर प्रिजर्व करते हैं, या आप स्वीट कॉर्न को करते हैं, या आजकल कई सारे फ्रूट्स को भी प्रिजर्व किया जाने लगा है, यह सारी विधियां भी यहाँ पर पढ़ी जाएगी। अब हम लास्ट यूनिट या फिफ्थ यूनिट पे आते हैं जिसे कि थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है या उपचारात्मक आहार कहा जाता है। उपचारात्मक आहार वो आहार होता है जो कि बीमारी के समय दिया जाता है जिससे कि व्यक्ति जो है अपनी बीमारी से जल्दी रिकवर कर पाए, क्योंकि मेडिसिन के साथ साथ अगर हम उसकी डाइट में चेंजेस करते हैं तो उस व्यक्ति की रिकवरी कह दे या उसका स्वास्थ्य लाभ कह दे वो जल्दी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर हम जिन बीमारियों के बारे में बात करेंगे वो है फीवर, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, डायरिया यानी कि दस्त, ओवरवेट यानी अधिक वजन, कम वजन, डायबिटीज, मधुमेह, लीवर डिजीज, यकृत की बीमारियां और हृदय रोग के क्या कारण है, क्या लक्षण है और इसमें हमें किस प्रकार से आहारिक परिवर्तन किए जाने चाहिए, भले वह उसको बनाने के तरीके में हो, न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या हमें अगर एक फूड ग्रुप है उसमें से कौन सा फूड स्टफ लेना है और कौन सा नहीं, हमें चावल देना है या हमें गेहूँ देना है ना, फॉर एग्जाम्पल इन डायबिटीज, या हमें जो देना है, ये तीनों ही चीजें जो है वो एक ही फूड ग्रुप यानी सीरियल या अनाज में से आती है, पर उसके लिए क्या बेनिफिशियल है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो उपचारात्मक आहार जो है उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से आपको समझाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। ये जो आज हमने बात की है वो है BA सेकेंड ईयर ग्रह विज्ञान का पेपर 1 का सिलेबस, और इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी टॉपिक्स पर हम एक एक करके बात करेंगे। और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, और उनकी सबसे पहला जो पॉइंट था वो डेफिनेशन का था, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा जो ये चर्चा है वो समाप्त होती है।